Anil, trying to make you understand each topic of science from class 1, 2 and 3. Actually, this is for CBSE board. लेकिन हमने इस बात को ध्यान रखा है कि जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर बिहार बोर्ड से है वो भी घर बैठे बैठे टीचर को देख के पढ़ाई कर सके और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सके. सो हम बात करते हैं पहला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक है थिंग्स अराउंड अस. बच्चे आप लोग अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें देखते हो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और कीड़े मकोड़े, जो भी कुछ भी अपने सराउंडिंग्स घर के अंदर कुछ भी देखते हो वो क्या क्या चीज़ें लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं, मैनमेड है या क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. और हम पहले बात करेंगे कि नेचुरल थिंग्स, ये नेचुरल थिंग्स होता क्या है. नेचुरल थिंग्स वो है जो नेचुरल थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा दिए गए ये सारी चीज़ें. जैसे कि हम ह्यूमंस एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, सारी चीज़ें, वाटर एनिमल्स, वाटर प्लांट्स, ये सारी चीज़ें नेचुरली पाए जाते हैं. ये थोड़ी ना हमने बनाया है या फिर भगवान, मे भी आप बोल सकते हो, कोई अगर इस बात को मानते हो भगवान ने बनाया है तो ठीक है, बात सकते हो, लेकिन ये सब नेचुरल थिंग्स में आता है. सो हम देखते हैं व्हाट आर नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स क्या क्या है. थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, स्टोन्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स में तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बस थोड़े से दिया है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड स्टोन्स एक्सेट्रा. सो जो भी चीज़ें नेचुरली प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं वो सब हम बोलते हैं नेचुरल थिंग्स. सो अब आते हैं ये जो भी नेचुरल थिंग्स है इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स नेचुरल थिंग्स आर डिवाइडेड. ऑल नेचुरल थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दे आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो दो भाग में बताया गया है, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मतलब जो जीवित वस्तु और नॉन लिविंग थिंग्स अजीवित वस्तु. और बच्चों आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पे नोट कीजिए. और जो भी गुरुकुल के बच्चे हैं उसको बच्चों, जैसे कि हमने अभी बताया कि नेचुरल थिंग्स दो भाग में बताया गया है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या है वो अब देखेंगे. व्हाट आर लिविंग थिंग्स. थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. दे नीड एयर, वाटर, फूड, सनलाइट एक्सेट्रा. जो भी वस्तुएं हैं जिसके अंदर लाइफ है, प्राण है, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. और उनको दे नीड एयर, वाटर, फूड, सनलाइट. जिंदा रहने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होता है, एयर, वाटर, फूड, सनलाइट और बाकी भी है एक्सेट्रा. सो एग्जाम्पल्स ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन प्लांट्स दे ऑल्सो नीड फूड्स टू ग्रो. सो एनिमल्स तो होते ही आपको पता है कि एनिमल को तो एनिमल्स तो खाते हैं, ह्यूमंस भी खाते हैं, और ये फूड, वाटर सब भी चाहिए होता है. इन सबको हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं. और अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर बट डोंट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. जो भी वस्तुएं हैं प्रकृति द्वारा दिए गए लेकिन उनके अंदर प्राण नहीं है, जान नहीं है, और उनको ये सब कुछ चाहिए नहीं होता है, सनलाइट ये सब नहीं चाहिए होता है, उसको हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल्स माउंटेन्स, माउंटेन्स पहाड़ को क्या खाने पीने की जरूरत है क्या? नहीं, जिंदा रहने के लिए नहीं. रॉक्स, मून, सन एक्सेट्रा, ये सब हम बोल सकते हैं, उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स. सो अब आते हैं व्हाट आर मैनमेड थिंग्स. इंसान द्वारा बनाए गए चीजें. सो थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. ऑल मैन मेड थिंग्स आर श्योरली नॉन लिविंग थिंग्स. सो जो भी इंसान बनाता है, जैसे कि ये पेन, ये मार्कर, ये सब
अब इंसान ने ही तो बनाए, थोड़े भगवान या फिर प्रकृति ने दिया है। सो जो भी चीजें इंसान बनाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं YouTube, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, ये मोबाइल फोन भी तो इंसान ने ही तो बनाया है। तो जो भी इंसान बनाता है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, श्योरली नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। कभी देखे हो कि कोई चीज इंसान ने बनाया है, वो उसके अंदर जान हो, प्राण हो, वो ब्रीथ करता हो, खाता हो, उसको जीने के लिए कुछ चाहिए होता है, कभी देखे हो? अगर कोई इंसान जैसा बनाए भी, जैसे कि रोबोट, उसको ये सब नहीं चाहिए होता है, वो उसके अंदर प्राण नहीं होता है। तो जो भी इंसान बनाता है वो सब नॉन लिविंग थिंग्स, श्योरली नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे कि आप अपने ही रूम में, घर के अंदर भी देख सकते हो ये सब चीजें, टॉयज, टेबल्स, मोबाइल फोन्स, कार्स और बाहर कार्स देख सकते हो, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स, श्योरली नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बच्चों, हमने जान लिया है कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है और मैन मेड थिंग्स क्या होता है। अब हम जानेंगे कि जो भी लिविंग थिंग्स के उसके क्या क्या गुण है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स? देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ये जो भी जीवित वस्तुएं हैं वो, उनके बहुत सारे गुण हैं जो अजीवित यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करता है। जैसे एक नंबर, लिविंग थिंग्स ग्रो, जो भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करता है यानी, और दूसरा, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और या फिर अगर प्लांट्स को देखा जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह खुद तो नहीं जाते हैं, लेकिन जब हवा बहता है वो हिलता है, मूव करता है। तीसरा, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स जो भी जीवित वस्तु है वो सांस लेता है। फोर्थ, लिविंग थिंग्स फील, क्या हम लोग फील कर सकते हैं? हम लोग किसी भी चीज़ को फील कर सकते हैं, जैसे कि हवा, गर्मी, ये सब चीजें जो भी लिविंग थिंग्स है सब ये सब फील कर सकते हैं। फाइव, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जो भी जीवित वस्तु है वो अपने जैसा दूसरे को जन्म दे सकता है। एनिमल्स भी जन्म देते हैं, ह्यूमंस भी जन्म देते हैं और प्लांट्स भी देते हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। सभी लिविंग थिंग्स जन्म देता है लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि जीवित वस्तु और निर्जीव वस्तु के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो व्हाट, राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो देखते हैं, वन नंबर, फर्स्ट नंबर, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर टू लिव। लिविंग थिंग्स को, जो भी जीवित वस्तु है उनको जिंदा रहने के लिए बहुत सारे चीज़ों के जरूरत पड़ते हैं, और उन सब में से एग्जाम्पल्स है एयर, वाटर, फूड, खाना, पानी, हवा। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो अजीवित है, निर्जीव वस्तु है, उनको ये सब की जरूरत नहीं पड़ता है। और दूसरा, ग्रो एंड चेंज, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित वस्तुएं हैं वो समय के अनुसार बदलता है। जैसे एग्जांपल, आप खुद को देख लीजिए, आप पहले सीधे क्लास टू या फिर वन में तो नहीं आए होंगे, पहले आप नर्सरी में गए होंगे, नर्सरी के बाद LKG, UKG, वन टू, वैसे वो समय के अनुसार ग्रो करता है, वैसे प्लांट्स भी ग्रो करता है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी निर्जीव वस्तु है वो ग्रो नहीं होता है,
वो जितने समय लगे वो जैसे के तैसा ही रहता है। थ्री, लिविंग थिंग्स मूव इन सॉर्ट्स ऑफ फूड वाटर एंड स्केप देयर एनिमल्स। जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, वो अपने जरूरत के हिसाब, जरूरत को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। और दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह अपने आप मूव नहीं हो सकते। और जो लिविंग थिंग्स है, जीवित वस्तुएं, वो अपने आप के बचाव में मूव कर सकते हैं या फिर एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है और किसी भी बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं अपने आप को किसी भी चीज से बचाने के लिए। और फोर, लिविंग थिंग्स रेस्पोंड टू चेंजेस अराउंड देम विद योर फाइव सेंस ऑर्गन्स। हम लोग ह्यूमंस का सेंस ऑर्गन्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा, तो बाकी लिविंग थिंग्स का भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और उस सेंस ऑर्गन्स के मदद के द्वारा वो जो भी बाहर बाहर होता है, चलता है बाहर के कंडीशन, वो फील कर सकता है, वो फील कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी फील कर सकता है और गंदा गंदा चीज स्मेल करके, नाक नाक से स्मेल करके वो फिर अपने आप को। अब हम फोर नंबर देखते हैं। फोर नंबर, लिविंग थिंग्स रिस्पोंड टू द चेंजेस अराउंड देम विद योर फाइव सेंस ऑर्गन्स। जो जीवित वस्तुओं का सेंस ऑर्गन्स है, उसके द्वारा जो भी चीजें होता है बाहर, उसके अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमको गर्मी लगी तो हम लोग फैन चला लेंगे अपने आप को ठंडा करने के लिए। और दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु, वो बाहर कोई भी हो, गर्मी लगे, कुछ भी चले दुनिया में बाहर, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, वो उसके कंडीशन के अनुसार रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो फाइव नंबर, कैन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। जो भी लिविंग थिंग्स है, जीवित वस्तु है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जन्म दे सकता है। जैसे कि ह्यूमंस जन्म देता है, एनिमल्स भी जन्म देता है, और प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स भी जन्म देता है, लेकिन सबका अपना अपना एक तरह, अपना अपना प्रोसेस होता है। और दूसरी तरफ, नॉन लिविंग थिंग्स, जो निर्जीव वस्तु है, वो जन्म नहीं दे सकते, अपने आप को जैसा दूसरा नहीं दे सकता। और सिक्स नंबर, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड सिक एंड डाई। जो भी जीवित वस्तु है वो जन्म लेता है, वो तो हमने पहले से जान लिया, जन्म तो देता है लिविंग थिंग्स, और जन्म होने के बाद वो ग्रो होता है, हम पहले भी बोले हैं कि वो ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद बड़े बड़े होते हैं, फिर ग्रो होते होते फिर ओल्ड भी हो जाएंगे और बाद में मर भी जाएंगे। और दूसरा, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई। नॉन लिविंग थिंग्स जन्म भी नहीं लेते और मरता भी नहीं, दे ब्रेक और फेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी निर्जीव वस्तु है वो जन्म भी नहीं लेता है, मरता भी नहीं, उसके अंदर जीवन ही नहीं होता, लेकिन वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है और वो फेड हो सकता है ओवर अ समय के अनुसार, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों, ये जो अभी पढ़ा है, जो समझा है, वो स्क्रीनशॉट ले और कॉपी में नोट किए, और जब भी स्कूल खुलेगा हम जरूर चेक करेंगे कि आपका नोट्स। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर एक कुछ समझाने की जो कोशिश की है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए, ताकि जितने भी लॉकडाउन में सभी बच्चे घर पे हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, वो सब घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सके। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए।
ताकि जो भी हम वीडियोस बनाए आप लोगों तक पहुंचे सभी वीडियोस। और अगर इस आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको क्लियर करने के प्रयास करेंगे। थैंक यू।